भारत की बैडमिंटन स्टार वर्ल्ड नंबर 4 पीवी सिंधु कोरिया ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंच गई हैं। ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु ने शनिवार को सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 7 चीन की ही बिंजियाओ को 21-10, 17-21, 21-16 सेकंड माती। सिंधु ने मुकाबले की धमाकेदार शुरुआत की और पहला गेम महज 16 मिनट में जीत लिया। हालांकि उन्होंने दूसरा गेम गंवाया, लेकिन सिंधु ने जबरदस्त वापसी की और तीसरे गेम में चीनी चुनौती को ध्वस्त कर डाला। इसके साथ ही सिंधु भारतीय बैडमिंटन के लिए इतिहास रचने से महज एक कदम दूर हैं। जापान की ओकुहारा से बदला लेने का मौका। अब फाइनल में 22 साल की हैदराबादी बाला सिंधु का सामना रविवार को हनुमनुजोमी ओकुहारा से होगा। इसी जापानी शटलर ने पिछले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधु को हराया था। कोरिया में सिंधु बन सकती हैं पहली चैंपियन। सिंधु अगर कोरिया ओपन जीतने में कामयाब रहती हैं, तो वह इस टूर्नामेंट पर कब्जा करने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी होंगी। 1991 में शुरू हुए कोरिया ओपन के 26 साल के इतिहास में अब तक किसी भारतीय को खिताबी सफलता नहीं मिली है। हेड टू हेड वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो सिंधु नंबर 4 और ओकुहारा नंबर 9 को पहले ही पीछे छोड़ दिया है, लेकिन दोनों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 4 बार ओकुहारा ने बाजी मारी। Thanks for watching. Leave a like and share with your friends if you enjoyed. And please, don't forget to subscribe.